साथ ही साथ कलेक्टिवली हर चीज को होता है ना एक मैनर वी के साथ लेके चलती है, लेकिन फाइनली सीट यहाँ पे रिटालिएट अच्छे तरीके से करते हैं, असद को नॉक कर जाते हैं और अब टार्ज़न और ट्रेड दोनों असद से बहुत दूर रहने वाले, प्लेयर को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि टेंट नाटन था आई थिंक द टीम स्पार्क होल्डर्स जरूर आगे बढ़ा जाएगा, फिर गाड़ी के कवर लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन टार्जन जो कि पहले एंगल बना के बैठे थे फाइनली उनका फायर जाता है, टेंट नाटन जो कि यहां पर कवर लेने के लिए आया था उनको जरूर नॉकआउट कर दिया जाता है, बट इन रिटर्न उनको भी फायर आता है, वो भी प्रेस हुआ नॉकआउट कवर दिखाया, लेकिन एस ट्री का स्क्वाड विल बी टू वन स्टैंडिंग एज वेल इन टीम बब्लू, टीम ऑफ टेक्स बब्लू का स्क्वाड इनफैक्ट उनके ऊपर भी टीम सारे पे धावा बोलते हुए दिखाया, लेकिन स्टार का स्क्वाड देखते देखते ये भी हमें जरूर से यहाँ पर जब हर जगह फाइट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, टीम क्यू आर को एस ट्री डैमेज देती है बट एस ट्री को टीम स्टार डैमेज देकर जाते हैं, 10 आउट ऑफ टेक्स बब्लू का स्क्वाड टू में रहने वाला था उनको भी टीम स्टार ही यहाँ पर डील कर जाते हैं, तो अभी तक सारे के सारे जो फाइट सारे के सारे जो सिनेरियो है हमें टीम स्टार ही होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ देर पहले इनके अगेंस्ट भी हमें कुछ यहाँ पर नॉकआउट्स निकलते हुए दिखाई दे, प्लेयर जरूर यहाँ पर हमें लूज होते हुए दिखाई देते लेकिन फॉरन से टीम स्टार या जो एक चीज मेक श्योर करती है दैट वाज करने पे इसको रेव दिया जाए, अपने यहाँ पर जो कन्फर्मेशन है हमने अपने ऊपर यहाँ पर नहीं होने देनी है, अभी जो स्प्रेड है जो चारों प्लेयर की स्टैंडिंग रहने वाली है वो क्लियर कट टीम को 9 में से 4 प्लेयर्स देकर जा रही है, बाकी जो 5 प्लेयर्स आपके अगेंस्ट जरूर यहाँ पर 3 टीमों के रहने वाले हैं H2E, QR एंड आउटविट एक्स बब्लू दो, लेकिन QR का स्क्वाड डेफिनेटली अभी भी सेकंड मोस्ट यहाँ पर फेवरेट स्क्वाड रहने वाला है बिकॉज इनके पास भी टीम स्टार के बाद सेकंड हाईएस्ट प्लेयर स्टैंड करे, लेकिन पक्का जस्ट लाइक उसामा क्या हमें आज फिर से वो सिनेरियो देखने को मिलेगा यहाँ पर या फिर नहीं? आई रियली होप कि यहाँ पे पिका वो पुल ऑफ कर पाए, उसने खेला था बहुत इंप्रेसिव, उनकी एक मैं कहता हूँ सिक्स सेंस ने बताया था कि यहाँ पे देयर समथिंग रॉन्ग, कुछ इतना भी सीधा नहीं है, बट पीके को स्क्वाड कैसे नॉक कर जाता है, टीम बब्लू का स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, टीम एच2 के डेड को भी नॉक कर दी जाएगा, नाउ वी आर डाउन टू अ 3v4 वी टीम स्टार विद 11 किल्स इन देयर बैकपैक, चार प्लेयर सर्वाइव करें एंड दे हैव द अपर ग्राउंड, टीम सुल्ताना लेफ्ट साइड के ऊपर रहेंगे, टेंडर रिटर्न वहां से कैसे बना चाहते हैं, सुल्ताना रियलाइज भी करें यहाँ पे प्लेयर रहेंगे खड़े होने की कोशिश करते हैं, बट दैट कुड हैव बीन अ वेरी रॉन्ग मूव कि आपकी इन्फॉर्मेशन चली जा चुकी है, गोकू लेफ्ट साइड के ऊपर रहेंगे सीधे दरमियान में रहने वाले, नेट का इस्तेमाल किया जाए, लेट कनेक्ट नहीं करता बट ही हैज टू मूव, सुल्ताना दिल्ली का इस्तेमाल देके थोड़ा सा मूव करता है, बड़ी बात है सुल्ताना खड़ा होना उनको काफी डैमेज डील कर गया, नाउ वी आर बैक टू अ 3v3 बिकॉज़ सुल्ताना ने दो दफा ये गलती की थी कि वो पहले खड़े हुए थे और इन मौके के ऊपर खड़े होने का मतलब है कि आपकी इन्फॉर्मेशन है, गोकू का नेट जाता है जो कुसामा को नॉक करता है, वन मोर नेट फ्रॉम टीम स्टार जो कि सीनियर और साथ साथ टेंट रेडन की एचपी जरूर कम करता है, बट नाउ टीम क्यू आर इज ऑन द एडवांटेज, टंट नटन और दोबारा राइट साइड से जाना चाहते हैं, वो ना मेक श्योर ही गेट्स द किल क्योंकि उनके पास एडवांटेज मैक्सिमाइज करते नजर आए, सारा का सारा एक जो उनको ब्रेक थ्रू मिला था वो सुल्ताना के नॉक के बाद मिला था, बट इन दिस फैक्टर इन दिस टाइम टीम स्टार को सामा को रिवाइव किया जा रहा है, हंक की तरफ से गाड़ी क्या ये पार्क करना एक अच्छी एक मैं कहता हूँ बात रहती है बिकॉज इस गाड़ी को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो चुका है टीम स्टार टीम क्यू आर के लिए, बट गॉड फ्यूरी इज गोइंग टू बी सर्वाइविंग देयर, लेकिन एक और नेट जाता है उसामा दोबारा नॉक हो जाएंगे, टंट नटन यहाँ पे रहने वाले यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, वो लाइन ऑफ साइड ब्लॉक जाएगी, उन्हें अंदाजा है यहाँ पे दो प्लेयर्स रहेंगे, गॉड फ्यूरी को एक्जैक्टली नहीं पता बट टीम क्यूआर को यह पता है कि दो प्लेयर्स यहाँ रहने वाले हैं, और अब पैन के इस्तेमाल किया जाए, पैन फेंका जाता है, कनेक्ट कनेक्टेड नो नहीं कनेक्ट करता, बट टर्न टर्न की तरफ से एक अच्छी स्ट्रेटजी जरूर एम्प्लॉय की जाती है, खड़े होकर राइट साइड के ऊपर आ जाएगा, कैरी टेकिंग डाउन, वहां पे 1v1 लेने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन उसामा भी शॉट सेंड करते हैं, फाइनली हंक खड़े होते हैं, उनको नॉक करते हैं, सीनियर भी इस अग्रेसिव का हिस्सा बन जाते हैं, हंक को ट्रेड आउट कर जाते हैं, बट वन प्लेयर ऑन द राइट साइड ही माइट जस्ट नॉट गेट स्पॉटेड, गॉड फ्यूरी अभी गोकू को नॉक कर चुके हैं, उसामा ने जो सुकून से स्मोक का इस्तेमाल किया था दैट वॉज वेरी इंप्रेसिव, लेकिन साथ ही साथ गॉड फ्यूरी का 1v1 ले रहा है गोकू के ऊपर, वो भी एक बहुत इंप्रेसिव बात है, लेकिन एक्चुअली इट विल बी टीम स्टार टुवर्ड्स जो कि हमें इस मैच को विन करते हुए दिखाई देंगे, वो भी आज के दिन पर आई थिंक जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स रहने वाले वो टीम स्टार है इस मैच में निकालते हुए दिखाई देंगे।